दुश्मनी थी ना इनकी, सिर्फ दरवाजा जाके हम उधर मौके पे मौजूद थे, दस्तक दी है बस हमें वैसे ही शक हुआ, हम भी पीछे आए हैं, इतनी देर में दरवाजा खोला, उन्होंने मसाला पिस्टल थे, सब ने दर फायरिंग की और बस चले गए। वारदातों में मुलावस हैं इस इलाके में, तकरीबन थाना फरोज वाला सदर मरीद के में, और मेरा ख्याल उनको तो शायद शूट एंड साइड के आर्डर भी हों, तकरीबन यही छः सात गोलियाँ लगी थी सीधी, इस तरह स्ट्रेट सीधी मारी है बिल्कुल। तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी कोई रिक्वेस्ट ही है और कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी, तो हमें आगे से खतरा है कि वो मज़ीद हमारा कोई नुकसान और करेंगे। जैसा कि आपको अक्सर हम बताते रहते हैं कि वारदातों में लाहौर में और यहाँ पे फिरोजवाला फैक्ट्री एरिया थाना के करीब शेखुपुरा साइड पे वारदातों में कत्ल में जनाकारी में इजाफा होता जा रहा है, इसी तरह का एक वाकया फिरोजवाला में पेश आया, मैं फिरोजवाला में मौजूद हूँ। सरफराज नामी शख्स को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है गोलियाँ मार के, तकरीबन 6 से 7 के करीब गोलियाँ मारी गई, छाती पर मारी गई, बाजू पर मारी गई, टांगों पर मारी गई, और हैवानगी का मुजाहरा किया और दरिंदगी से उस सरफराज को कत्ल कर दिया। सरफराज के बड़े भाई मेरे साथ मौजूद हैं, कौन शख्स थे, कौन लोग थे, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिसने गोलियां मारी हैं क्या नाम था उसका? ये उस्मान और मीरजमान, दो ये भाई हैं हकीकी, तो इनके साथ जो हैं वो अदनान खान, अपना नादर खान, शाहिद खान और वो नवाब खान और विक्की, ये भी साथ थे पीछे। अच्छा, कोई गैंग वगैरह इनका? हाँ जी, ये नहीं, इनके साथ ये ना पहले, ये मेरा भाई एक मर्डर में इल्ज़ाम था मर्डर का ना, तो ये सरफराज पर इनके भाई का, शाहिद वगैरह के ना, तो ये पहले 18 माह काट के आ चुका है इल्ज़ाम में ना, ये 2019 की बात है, तो अभी ये बेल पर था हाई कोर्ट से, उस वजह से ये अपना साइड पे ही रह रहा था, तो उन्होंने इसकी रैकी करके जो इसको गोलियां मार दी हैं। क्यों दी? जो लोग थे ये इसके दोस्त थे, सरफराज के जानने वाले थे? नहीं नहीं, दुश्मनी थी ना इनकी, सिर्फ दरवाज़ा जाके हम उधर मौके पे मौजूद थे, हम तीन मेरा भाई और मैं और मेरा एक कज़न है बहनोई भी हमारा, हम उधर घर में ही थे मौजूद थे। अच्छा, पीछे से कोई रंजिश वगैरह थी? पीछे से रंजिश तो हम बता तो रहा हूँ कि उनके मर्डर के, उसके भाई के, उसके भाई का था कत्ल के इल्ज़ाम में, ये ना 18 माह पहले काट चुका है, जबकि कत्ल किसी और ने किया था। जी, कत्ल किसी और ने किया था, सरफराज पे उन्हें केयर थी, केयर की थी, मसलन इल्ज़ाम उस पर था ना, इसी इलाके में ये वारदात हुई थी। ठीक है, तो सरफराज को बुलाया था कि यहाँ सरफराज कहीं पे जा रहा था? घर पे था। हाँ जी, आके दस्तक दी है बस हमें वैसे ही शक हुआ, हम भी पीछे आए हैं, इतनी देर में दरवाज़ा खोला, उन्होंने मसाला पिस्टल थे, सब ने दर फायरिंग की और बस चले गए, सब ने इकट्ठी फायरिंग की, मौका से फरार हो गए। मोटरसाइकिल वो मौका पे छोड़ गए, जो कि अप्लाइड फायर थी या अपना नंबर नहीं था उसका ना, यूनाइटेड थी या 70, वो पुलिस वाले लेके आए हैं मौके से। अच्छा, सरफराज काम क्या वैसे करता था? ये मेहनत मजदूरी करता था, ठेकेदारी वगैरह भी करता था, जिम्मेदार हैं, गुजर फैमिली से हमारा तल्लक है। ठीक है, जिम्मेदार हैं। और जो दूसरा ग्रुप था उनका क्या काम है? उनका यही है बदमाशी, बस बदमाशी वगैरह, मंशियात वगैरह, मंशियात फरोशी, बदमाशी, जगह टैक्स, ये वो हर चीज़ करते हैं। इससे पहले भी वारदातें डाल चुके हैं? वारदातें, वो वारदातों में मुलावस हैं इस इलाके में, तकरीबन थाना फरोज वाला सदर मरीद के में, और मेरा ख्याल उनको तो शायद शूट एंड साइड के आर्डर भी हों, अश्तियारी भी हैं, मेरे अश्तियारी हैं वो, तकरीबन 28 से 30 मुकदमात में अश्तियारी हैं, चोरी, डकैती, जगह टैक्स, इनमें जी आम है, यहाँ पे आम लेते हैं, आम लेते हैं। आईजी साहब, डीपीओ साहब, ये आप तवज्जा सुने, पिछले दिनों मेरी डीपीओ फैसल साहब से बात हुई थी, वो बता रहे थे कि हम क्राइम रेशो कम कर रहे हैं। डीपीओ साहब, आप देख सकते हैं कि फिरोजवाला में क्राइम रेशो कम करने के बजाय भारी यहाँ पे जगह टैक्स भी लिए जा रहे हैं, ज़मीनों पर कब्जे किए जा रहे हैं, लेकिन जो आपके पुलिस एहलकार हैं वो जो कार्रवाई है या सख्ती करने में, इनको रोकने में बिल्कुल इस वक्त नाकाम है। अब आपकी क्या आगे राय, हमारा पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? सर, हमने तो FIR दर्ज करवाई है, तो हमें तो अल्लाह से इंसाफ की तवक्को है, दो उसके छोटे हैं बच्चे हैं, एक उसकी बच्ची है माशाल्लाह 3 साल की, एक अभी तकरीबन 3-4 माह का बेटा है उसका, तो कहते हैं तो उसको मंगवा लेता हूँ मैं, छोटा सा है बिल्कुल। हाँ, उनसे बात करते हैं हम लोग। अच्छा, तो पुलिस ने अभी तक अरेस्ट नहीं किए? नहीं, अभी तो सुबह रेड की थी, कह रहे थे हमें, हमने रेड किया, हमें कोई मिला नहीं है,
उसके बाद तो हम तो वैसे ही इधर अभी जो अपना दफना के हैं अपने भाई को, पोस्टमार्टम वगैरह अस्पताल में सब इसी तरह। कितनी गोलियां लगी थी टोटल उसे? तकरीबन यही छः सात गोलियां लगी थी सीधी, इस तरह स्ट्रेट सीधी मारी है बिल्कुल, यानी कत्ल के नहीं ऐसे ही मारी है, डराने धमकाने नहीं थे आए? डराने की धमकाने की सिर्फ टांगों में मारते हैं या छाती में तो नहीं ना मारते, यानी बिल्कुल वही ना पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। तो सर ये हमारे साथ ज्यादती है, तो आप इंसाफ किया जो हमारे मतलब वजीर आला हैं, वजीर आजम हैं, डीपीओ साहब हैं, उनसे क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं? यही दरख्वास्त करेंगे सर, ये उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी कोई रिक्वेस्ट ही है और कुछ ज़बरदस्ती थोड़ी। इस इलाके में आप पहले विजिट करें, चेक करें कि उनका ये काम है या नहीं, हाँ रिकॉर्ड याफ्ता है या मरीद के में, सदर में, या इधर फिरोजवाला थाना ज़िला शेखपुरा में वारदातों में वो रिकॉर्ड याफ्ता हैं, जगह टैक्स में या मर्डर में, हर चीज़ में, हर चीज़ में मुलव्वस हैं जी। उनके बच्चों को ज़रा बुला दें, बच्चे तो नहीं छोटा बच्चा होगा घर में जो बोल सकता है, जो बात कर सकता है? नहीं, और उसकी छोटी बच्ची तो अभी गांव से आई है, उसे तो नहीं पता ना, उसे बकुआ का नहीं पता, उसे बकुआ का नहीं पता ना, अभी वो गए हुए थे गांव ना, जो अपना कटाई शटाई हो रही है गंदम की, इसलिए ठीक है। ये जो फैमिली है, वीडियो आप चल रही है, आप देख सकते हैं सरफराज की तस्वीर चल रही है, सरफराज अभी ज़्यादा उम्र का भी नहीं था, जवान था, 27-28 साल का जवान लड़का था, अभी उसने ज़िंदगी देखनी थी, उसने अपने बच्चों का फ्यूचर बनाना था, मुस्तकबिल बनाना था, अब उनको तनहा छोड़ गया, अकेला छोड़ गया है, इसका जवाब दे कौन है? हमारे अदारे हैं या हमारा कानून है जो अपनी इतनी नाअहली से काम करता है कि जो जराइम होते हैं उनको रोका नहीं जाता? अगर जराइम को रोका जाए और जो मुजरिम को बर वक्त सज़ा दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जुर्म मजीद भरेंगे। और सर हमें ये आगे से ख़तरा है कि वो मजीद हमारा कोई नुकसान और करेंगे। अच्छा, अभी भी खतरा है, धमकियां वगैरह लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमें अपनी केयर करनी पड़ेगी, हम बाहर अंदर नहीं जाएंगे, जाहिर बात है मेहनत मजदूरी करते बाहर अंदर तो जाना पड़ेगा, कोई ड्राइवर है, कोई गाड़ी चलाता है, कोई अपना कॉलेज में गाड़ी लेके जाता है, बाहर अंदर तो जाना है, तो इस तरह वो इश्तिहारी हैं, वो कहीं भी हमारा नुकसान कर सकते हैं, वो पेश तो होंगे नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो फिर हमारे साथ कोई ज्यादती, कोई बंदा मार सकते हैं किसी को, पुलिस की तरफ से मैं आया हूँ, आपको कोई सिक्योरिटी नहीं फराहम की गई अभी तक? नहीं, हमें तो पुलिस के आपके सामने ही है, देख लें आप। अब बिल्कुल, मैं अभी वकुआ पर पहुँचा हूँ, आज दफनाया इन्होंने, कल कत्ल हुआ था, लेकिन मैं देखा हूँ रात को 9:30 के करीब कत्ल हुआ है, मैं वकुआ पर पहुँचा हूँ, लेकिन कोई पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद नहीं है, ये अपनी हिफाजत खुद ही कर रहे हैं, कोई पता नहीं वो गुरु इन्हें धमकाने के लिए दोबारा फिर कार्रवाई करे, फिर दोबारा हमला आवर हो जाए, लेकिन हमारी पुलिस अभी तक बैठी हुई है, पता नहीं कहाँ पे मसरूफ़ है, कौन से इतने काम है जो ये अपनी चौकियों से बाहर नहीं निकलते, अपने थानों से बाहर नहीं निकलते। डीपीओ साहब आपसे दरख्वास्त है कि इन पर थोड़ी सख्ती करें, वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहब, अगर आप लोग अहदे पर बैठ गए हैं तो जो गरीब तबका है, जो अवाम है, आम अवाम, अगर उनको आप लोग इंसाफ नहीं दे सकते तो फिर मेरे ख्याल से हमारे जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं। आपसे दरख्वास्त है और इनकी भी यही दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ की उम्मीद है और इंसाफ के तलब गाना है कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए इदारों की तरफ से ही, क्योंकि आज आके जो बात रह जाती है, जो शरीफ इंसान होते हैं उनका ये उम्मीद होती है कि जो हमें इंसाफ दिया जाए इदारों की तरफ से दिया जाए, खुद तो ये जा नहीं सकते, ठीक है ना, खुद जाके फाइनिंग करें, इस तरह के आपस में फिर क्लैशेस भरें, और अगर जो कानून है अगर यही चाहता है कि आपस में दुश्मनदारियाँ बने तो लाजमी गिरफ्तार ना करें, दुश्मनदारी बढ़ती जाएगी, तो दरख्वास्त यही है कि जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए और जो भी इसके पीछे जुर्म है और जो भी लोग शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।